शिक्षा की महिमा में एक लघु कथा जो सारे संत सुनाते हैं, शायद किसी ने ना सुनी हो, सुनी होगी, मैं भी कह देता हूं। एक राजा था, उस राजा ने एक दिन अपनी सभा में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि बताओ, 12 में से 4 घटाएं निकल जाएं तो क्या बचेगा। मैं समझ रहा हूं, पर सुन ले फिर भी। सभी ने वही कहा जो पारंपरिक है कि 12 में से 4 चले जाएं तो 8 बचेंगे। राजा ने चारों ओर देखा, पूछा, बताओ भाई, सबने यही बताया। पर एक व्यक्ति जो मंत्री था, उसने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, न गर्दन हिलाई, वो सहमत नहीं था। राजा ने पूछा, मंत्री क्या बात, तुम कुछ और कहना चाहते? बोले, हाँ जी, मैं कुछ और कहना चाहता। तो अपनी बात कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? मंत्री बोला, 12 में से 4 चले जाएं तो 0 बचेगा। क्या बात करते हो, सारा गणित उलट दिया तुमने, सब कुछ बदल दिया, ये कैसे? बोले, महाराज, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि 12 क्या चीज है। आप किसे कह रहे हैं 12? 12 जो हैं वो घोड़े हैं, हाथी हैं, क्या हैं, ये पता चले। बोले, तुमने क्या सोचा? बोले, मैंने तो ये सोचा जी, 12 एक वर्ष में 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं। बोले, चलो ठीक है, फिर आगे कहो। बोले, आगे कहना यह है कि 12 मासों में से 4 मास वर्षा के होते हैं। अगर वर्षा के महीने निकल जाएं, अर्थात बारिश ना हो, तो 8 महीनों का कोई अर्थ नहीं, सब 0 हैं। ये इतने जरूरी होते हैं, वर्षा के महीने इतने आवश्यक होते हैं कि इन्हीं की वजह से वर्ष की कीमत बनती है, इन्हीं से ही सारी बात होती। बंधुओं, आप कहोगे तो अच्छा, ये तो फिर प्रकृति की बात हुई, आप धर्म की बात बताओ, धर्म की बात कहो, धर्म की बात भी कहेंगे, पहले प्रकृति की बात तो समझ लें। तुलसीदास ने रामायण में कहा, जब वर्षा होती है चारों ओर पानी पानी हो जाता है, और फिर वो पानी बहता है, बह बह करके चलता है, आगे बढ़ता है। तुलसीदास ने कहा, सिमट सिमट जल भरी तलाबा, जीवी सद्गुण सज्जन पहियावा। वर्षा वर्णन है रामायण का। तुलसीदास ने कहा, सिमट सिमट मिल मिल करके, इधर से आया, उधर से आया, ऊपर से गिरा, यहां से पानी सिमटता सिमटता आगे बढ़ता है, और कहां जाता है, तालाब में जाता है। सिमट सिमट जल भरी तालाबा, तालाब भर जाते, फिर ऐसा लगता है जीवी सद्गुण सज्जन पहियावा, जैसे सद्गुण सारे आकर्षित होकर सिमट कर खिंचकर सज्जन पुरुष के पास में चले आते, ऐसा लगता है। पानी की बूंद बूंद सिमट कर इकट्ठी होकर तालाब भर जाता है। एक एक गुण, एक एक शिक्षा इकट्ठी होकर सिमट करके सज्जन के जीवन में आ जाती है, और उसके जीवन का घट या जीवन का तालाब भर जाता है। भाइयों, जीवन में सद्गुण एकत्र करो। एक दिन में एक शिक्षा भी
अगर पढ़ो और उसको जीवन के अंदर उतारो, जीवन का घट भर जाएगा, सद्गुणों से भर जाएगा, जीवन भरपूर हो जाएगा। तुलसीदास ने आगे और भी बात कही, और क्या बात कही, सरिता जल जल नदी महु जाई, पानी इकट्ठा होता है, नदियां उफन उफन करके चलती है, क्या बाढ़ आती है, क्या पानी आता है, सरिता जल किस तरह उफन उफन करके नदियां आगे बढ़ती हैं, जल जल निधि मोह जाई, और ये सरिता नदियां बह बह करके समुद्र में जाकर के गिरती है। फिर क्या होता है, सरिता नदियां समुद्र में चली गई, होई अचल जीवी जीव हरि पाई। नदियां समुद्र में चली गई, अब तो ऐसा लगता है जैसे जीव परमात्मा को पाकर उसमें समा जाता है, ऐसे ही सारा जल समुद्र में जाके समा जाता है जीव को। तुलसीदास के प्रिय मान्यता है, तुलसीदास कह रहे हैं जीव के लिए तुम भी चलो और परमात्मा में समा जाओ, धन्य हो जाओगे, अणु से विराट हो जाओगे, महान हो जाओगे, ऐसे बन जाओगे। वर्षा की चर्चा बंधुओं कवियों ने बहुत की है। वर्षा बड़े आकर्षण की चीज है। एक कवि हुआ जिसका नाम चक्रवस्त था। चक्रवस्त ने एक बात कही, क्या कहा, नाज हो जिसको बहारे, जिसको अभिमान हो, फखर हो, किस बात का नाज हो जिसको बहारे, मिस्र शामों रूम पर, उन देशों के नाम ले, शाम पर रूम पर, उन देशों जिनको उनके ऊपर नाज हो कि वहाँ समुद्र लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा ऐसा है, नाज हो जिसको बहारे, मिस्रो शामो रूम पर सरजमीन हिंद देखे, कहा उन्हें निमंत्रण दिया, सरजमीन हिंद देखे, फिजा देखे बरसात की, हिंदुस्तान के बरसात एक बार आके तो देख लो, भूल जाओगे तुम सारी बातों को और सारी चर्चाओं को, इतनी खूबसूरत होती है हिंदुस्तान की बरसात। बंधु हम संत हैं, हमने तो ना तो यूं कहना बरसात आए, ना हमने यूं कहना बरसात रुके, ना हमने यूं कहना बरसात होती रहे, ना हमने कुछ कहना, जो घट रहा है केवल दृष्टा भाव, ठीक, प्रकृति है, कुदरत है, दृष्टा भाव है। बंधुओं भगवती सूत्र में वर्षा का जिक्र चला, और कैसे जिक्र चला भगवती सूत्र में, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या वनस्पति आहार करती है। भाइयों श्रावक श्राविकाओं, गौतम स्वामी ने पूछा क्या वनस्पति आहार करती है, भगवान ने कहा हाँ गौतम आहार करती है। कोई आदमी सोच सकता है वनस्पति पेड़ पौधे घास ये सब वनस्पति ये हार कैसे करे, मुंह तो होता नहीं, हाथ तो होते नहीं, हार कैसे करेंगी। फर्क है बात का, आहार केवल मुंह से ही नहीं किया जाता, आहार के प्रकृति के अनेक विधान है। एक का नाम है रोम आहार, क्या नाम है श्राव को, हम भी बैठे हुए निरंतर रोम आहार ग्रहण करते रहते हैं। बाहर जो हवा चल रही है हवा भी ग्रहण करते हैं, हवा में जो नमी है उसको भी हमारे रोम ग्रहण करते हैं, इसको रोम आहार कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द आया अंग्रीपाह, हाँ जी क्या आया, अंग्रीपाह, जिसका अर्थ होता है पादाभ्याम पिबती, जो पांव से पीता है, किससे, पांव से पीता है,
वो वृक्ष होता। अंग्रेप जो है यह है वृक्ष का नाम है। वृक्ष अपना खाना पीना जो भी है वो अपने पांव अर्थात जड़ों से ग्रहण करते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं, जड़ों से भोजन लेते हैं। भगवती सूत्र में सवाल था, भगवान क्या वनस्पति आहार करती है? भगवान ने कहा करती है। भगवान क्या ये पोषण को प्राप्त होती है? हाँ गौतम, पोषण को प्राप्त होती है, बढ़ती है आहार करके, पोषण को प्राप्त होती है। भगवान ये आहार इसका कम ज्यादा भी होता है? बोले हाँ होता है। जिस समय तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है और बाहर में शुष्कता होती है, उस समय में वनस्पति को आहार बहुत कम मिल पाता है, सब जगह सूखा हो जाता है। और जो बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब वर्षा काल होता है उस समय वनस्पति महा आहारा होती है, ये बहुत आहार ग्रहण करती है, क्योंकि सब जगह गीलापन होता है वर्षा से और जमीन गीली हो जाती है, उस समय ये बहुत आहार ग्रहण करती है, जिससे कि वर्षा काल में वनस्पति खूब से हरी भरी हो जाती है, लहला उठती है, इस प्रकार की हो जाती है। तो बंधुओं, वर्षा काल सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, संदेश भी लेकर आता है, सबके लिए जीवन लेकर के आता है, सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। अब सवाल है धर्म जगत का, यहाँ वर्षा से क्या तात्पर्य? वर्षा काल ने वनस्पति को भी कुछ दिया, वर्षा ने औरों को भी दिया, धर्म जगत को क्या दिया? धर्म जगत को वर्षावास दिया, वर्षावास चतुर्मास दिया, चतुर्मास श्रावकों श्राविकाओं साध और साधियों के लिए सबसे उत्तम काल बताया। क्यों उत्तम काल बताया, किस वजह से बताया, वर्षा काल को क्यों कहा गया? वर्षा काल में साधु जन एक स्थान पर रहते हैं, विहार नहीं करते। साधु का एक नाम परिव्राजक होता है। परिव्राजक अर्थ है जो निरंतर चलता रहे। साधु भी विहार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। लेकिन वर्षा काल का जो समय है वह एक स्थान पर व्यतीत करते हैं। क्यों व्यतीत करते हैं? क्योंकि वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति बहुलता से होती है, बहुत जीव पैदा होते हैं, तरह तरह के जीव पैदा होते हैं, त्रस भी और स्थावर भी, जगह जगह पर जीव उत्पत्ति होती है। एक बार हम जा रहे थे वर्षा का, तब थोड़ा पहले हो गया था, चतुर्मास के लिए जा रहे थे, चतुर्मास शुरू नहीं हुआ था। सड़क के ऊपर जो कैंचियों हमने देखे और जो जीव देखे, एकदम ऐसे हो जाता, कितने सारे, और रगड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। अब तो वाहन है, हम किस तरह से निकले वहां से, पांव बचा 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 करके, क्योंकि बहुलता होती। बाहर जाने का काम पड़ा खेत में, कितने सारे जीव, पांव रखना मुश्किल, और पेड़ पौधों के ऊपर कितने सारे जीव, उड़ने वाले, रेंकने वाले, चलने वाले, कितने सारे जीव। वर्षा काल में जीवों की बहुलता होती है, बहुत उत्पत्ति होती है। उन जीवों की विराधना ना हो, विराधना हिंसा को कहते हैं, उनको कष्ट न हो, इसलिए साधुजन अपनी चर्या को समेट लेते हैं। कम से कम विहार बंद कर दिया, नहीं आने जाने में जीवों की विराधना होगी, अपने चर्याओं को भी समेटा, इसलिए समेटा कि जीवों की हिंसा न हो। अतएव साधुजन वर्षा काल में एक स्थान पर रह, इस एक स्थान पर रहने का संतों को लाभ और क्या है? जीव हिंसा से वो अपने आप को बचाते हैं,
दूसरे समय मिलता है, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, आदि आदि लाभ होते हैं। और फिर तप करने के लिए भी वर्षाकाल सबसे उपयुक्त समय होता है। अतः साधुजन अपनी क्षमता के अनुसार तप आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। इस तरह साधुजन वर्षा काल में और मासों के अपेक्षा विशेष संयम की आराधना करते हैं। श्रावकों को क्या लाभ है, श्रावकों के लाभ के बाद बताता हूं। कहानी पुरानी, पुरानी क्या, चतुर्थ काल की है। एक बार कुछ संत चले हुए जा रहे थे, हाँ जी संत जा रहे थे, और वर्षा उतर आई, तेज बारिश हो गई। उससे बस्ती से बहुत दूर निकल आए थे, लंबा विहार था, जंगल में कहीं थे। देखा भैया तो पानी भरना शुरू हो गया जंगल में, मुश्किल पड़ेगी। गुरु ने संतों से कहा, कोई भाई देखो, कोई ऊंची जगह देखो, जंगल में भी कई जगह बस्तियां होती हैं, झोपड़ियां होती हैं, जंगली लोग भी होते हैं, कहीं ठिकाना मिल जाए। वर्षा बादल बहुत घुटे हुए हैं, अभी तो और भी संभावना है। इधर उधर देखा थे, ऊंचाई पहाड़ी सी लगी। बोले गुरु जी वो उधर चलते हैं, वहाँ पानी चढ़ेगा तो भी बचेंगे, हो सकता है इसके उधर कोई बस्ती हो। उधर संत गए, उस पहाड़ी सी पर चढ़े, थोड़ा सा आगे को गए, देखा बस्ती थी, थी तो झोपड़ियाँ पर बस्ती थी। संत आगे गए, एक आदमी भाला लिए हुए खड़ा था,